ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन दिनों कई माइथोलॉजिकल फिल्में बन रही हैं। पिछले दिनों प्रभास की आदि पुरुष रिलीज हुई, अब नीतीश तिवारी की रामायण बनने जा रही है। कुछ सालों पहले शाहरुख खान ने भी एक सपना देखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं, जिससे वो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। मगर बजट की वजह से वो ये फिल्म नहीं बना पाए। अचानक से शाहरुख का वो पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा है। साल 2017 में बॉलीवुड लाइव से बात करने के दौरान शाहरुख ने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं महाभारत बनाऊं। इसे काफी साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसके लिए बजट है। मैं इसे जरूर करना चाहूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। जब तक मैं कोलैब ना करूं इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ, नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ना जरूरी होगा, क्योंकि इंडियन फिल्म्स और इंडियन प्रोड्यूसर्स का मार्केट लिमिटेड होता है। शाहरुख खान ने अपनी बातचीत में आगे कहा था, इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना होगा, तो ऐसे में जरूरी है कि आपके साथ कोई ऐसा जुड़ा हो जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव हो। आप महाभारत के साथ छोटे बजट पर कुछ छोटा मोटा नहीं कर सकते हैं। इसको बाहुबली के स्केल या फिर उससे भी बड़ा होना चाहिए। इसके बाद शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या वो किसी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि वो काफी बिजी थे, जब भी उन्हें वक्त मिलेगा तो वो महाभारत पर फिल्म बनाएंगे। शाहरुख ने यह भी बताया था कि उन्होंने लोगों से बात की थी, सभी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन पक्की बात नहीं हो सकी। शाहरुख के नहीं, एक समय पर आमिर खान भी महाभारत पर फिल्म बनाने की बात कर चुके हैं। आमिर भी इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन या अपडेट नहीं आया। इसके अलावा राजामौली खुद महाभारत पर फिल्म बनाने की बात कह चुके हैं। शाहरुख खान पिछली बार डंकी में नजर आए थे, उसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म अनाउंस नहीं की है। मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो बेटी सुहाना खान के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम होगा किंग। सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इसी साल मई से शुरू हो सकती है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। खबरें हैं कि दिसंबर से शाहरुख पठान 2 का शूट शुरू करेंगे। इसके अलावा वो फराह खान, राजन डीके के अलावा कुछ साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।